AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया है, यह कहते हुए कि मोदी ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। आखिर है क्या पूरा मामला, आखिर क्यों बिफर पड़े हैं ओवैसी प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे एक आग्रह कि इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम आपको बताते हैं असली वजह कि क्यों भड़के हैं ओवैसी प्राइम मिनिस्टर मोदी पर। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने आज संसद के नए भवन की छत पर 20 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। अनावरण कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे और पीएम मोदी के द्वारा संसद के नए भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करने को लेकर ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है और सवाल भी खड़े किए हैं। उनके सवाल क्या हैं, हम आपको बताते हैं। दरअसल ओवैसी ने एक ट्वीट कर कहा है कि यह अधिकार यानी अशोक स्तंभ के अनावरण का अधिकार मोदी जी के पास नहीं है, बल्कि यह लोकसभा स्पीकर का है। ओवैसी ने कहा कि संविधान में संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग दर्शाया गया है। सरकार के प्रमुख के रूप में पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था, यह लोकसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है और स्पीकर सरकार के अधीन नहीं होता। ओवैसी ने आरोप लगाया कि पीएम ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी सरकार के मुखिया हैं, लोकसभा के नहीं, इसलिए उन्हें यह अनावरण नहीं करना चाहिए था। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया और यह कांस्य का बना यह प्रतीक चिन्ह है 9500 किलोग्राम वजनी है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे नए संसद भवन के शीर्ष पर बनाया गया है। सहारा देने के लिए इसके आसपास करीब 6500 किलोग्राम की स्टील की एक संरचना का निर्माण किया गया है। बहरहाल ओवैसी द्वारा प्रधानमंत्री के इस कदम पर उठाए गए सवाल के बाद यह बहस भी मौजू हो गया है कि क्या वाकई यह प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र की बात नहीं थी। तो फिलहाल इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहें न्यू इंडिया हेराल्ड के साथ।